नो कंट्री और कम्युनिटी इज स्ट्रॉन्गर देन द ज्यूज। और यूएस ये अच्छे से जानता है, इफ ज्यूज आर पावरफुल सो इज इजराइल। पिछले 300 इयर्स में जितनी भी वॉर्स लड़ी गई हैं, उन सबको ज्यूज ही फंड कर रहे थे, और वो भी दोनों साइड से। जीसस क्राइस्ट की डेथ के लिए ज्यूज ही रिस्पॉन्सिबल थे। यूएस इलेक्शन में जो पॉलिटिकल लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें फंडिंग भी तो चाहिए, तो उन्हें फंड करता कौन है? वो हमारी एवरीडे एक्टिविटी ट्रैक करते हैं, हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ये भी वही डिसाइड करते हैं। एक नेगेटिव रिपोर्ट किसी भी कंपनी के शेयर को कलैप्स करा सकती है। सो इफ दे वांट दे कैन इजीली डिस्ट्रॉय एन एंटायर इकोनॉमी जो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही है। इजराइल वर्ल्ड की सबसे डेंजरस कंट्री है। ये है गाजा, पैलेस्टीन की सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरी, और इसकी ये कंडीशन इसराइल ने की है। इसराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट कई सेंचुरीज पुरानी है, लेकिन पिछले एक साल में चीजें और बहुत खराब हो चुकी है। इन द लास्ट वन ईयर रफली 2 लाख पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, एंड मोस्ट ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर होम्स, हॉस्पिटल्स, वाटर एंड फूड सप्लाई हैव बीन डिस्ट्रॉयड। और ये सब पूरा वर्ल्ड सिर्फ देख रहा है। ना इसराइल पे कोई सिग्निफिकेंट सैंक्शंस लगाए गए, और ना ही रशिया की तरह उन्हें बॉयकॉट किया गया। इनफैक्ट वर्ल्ड की सुपर पावर यूएसए इसराइल को क्रिटिसाइज नहीं, सपोर्ट कर रही है। द क्वेश्चन इज व्हाई? जो कंट्री डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को सबसे ज्यादा प्रीच करती है, वर्ल्ड की हर तीसरी कंट्री पर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर सैंक्शंस इम्पोज कर देती है, वो इसराइल को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? क्यों उन्हें फाइनेंशियल एड दे रही है, मिलिट्री इक्विपमेंट भेज रही है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनके लिए अपनी वीटो पावर तक यूज कर रही है? But we have a bond to Israel that's much stronger. It's a moral commitment. Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. We stand with Israel. Hi guys, I'm Inder Kapoor, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इज़राइल और उनके citizens की, also known as Jews. So first, let's address the elephant in the room. ऐसा क्या है जो इसराइल को इतना पावरफुल बनाता है? इसराइल के citizens, Jews. Judaism इसराइल का ऑफिशियल रिलीजन है। वर्ल्ड के हर ज्यू को इसराइल अपना citizen मानता है, और ऑलमोस्ट हर ज्यू इसराइल को अपनी कंट्री। यही है उनकी सबसे बड़ी पावर। पूरे वर्ल्ड में आज सिर्फ 1.5 करोड़ ज्यूज हैं, दैट इज रफली 0.2% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। बट हियर इज द शॉकिंग ट्रूथ, यही 0.2% पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड को रूल करती है, हमारे बैंकिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी, मीडिया और गवर्नमेंट्स तक को कंट्रोल करती है। आई नो इट्स टू मच टू बिलीव, बट इस वीडियो के एंड तक आप भी कन्विंस हो जाओगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इसराइल से पहले फॉर अराउंड 2000 ईयर्स ज्यूज यूरोप में रहते थे, पर वहां उनकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में यूरोप की डोमिनेंट कम्युनिटी क्रिश्चियंस ने उन्हें बहुत डिस्क्रिमिनेट किया। बहुत बार उन्हें अपने हाउसेस से निकाल दिया, और कई बार कंट्री से ही एक्सपेल कर दिया। इसका रीजन पहला तो ये कि ज्यूज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, जिनके लॉस क्रिश्चियन लॉस से काफी अलग थे। लेकिन उससे ही बड़ा रीजन ये था कि क्रिश्चियंस ऐसा मानते थे कि जीसस क्राइस्ट की डेथ के लिए ज्यूज ही रिस्पॉन्सिबल थे। एक्चुअली जीसस क्राइस्ट खुद भी एक ज्यू थे, लेकिन वो जुडाइज्म से ज्यादा क्रिश्चियनिटी में मानते थे। इनफैक्ट बाइबल में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें जीसस ज्यूज और उनके लीडर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रीड दिस, मैथ्यू 23:27। वो टू यू टीचर्स ऑफ द लॉ एंड फैरिसीज, यू हिपोक्रिट्स, यू आर लाइक वाइट वॉश टूम्स विच लुक ब्यूटिफुल ऑन द आउटसाइड बट ऑन द इनसाइड आर फुल ऑफ द बोन्स ऑफ द डेड एंड एवरीथिंग अनक्लीन। यस, ये जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स हैं, और ऐसे बहुत चैप्टर्स हैं। अब क्योंकि जीसस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, क्रिश्चियंस का कहना ये था कि ज्यूज जीसस को अपने रिलीजन के लिए एक थ्रेट मानने लगे, और इसीलिए उन्होंने एक रोमन गवर्नर के थ्रू जीसस को क्रूसीफाई करवा दिया। इस वजह से क्रिश्चियंस ज्यूज से नफरत करते थे। अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें ना कोई अच्छा बिजनेस करना अलाउड था, और ना ही यूरोप में कोई लैंड या प्रॉपर्टी खरीदना। इन सभी डिस्क्रिमिनेशन और सफरिंग्स ने ज्यूज को एक स्ट्रॉन्गली यूनाइटेड कम्युनिटी बना दिया, और वो सब अब एक दूसरे को और अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। दिस वॉज वेन दे मेड द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइव्स एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें सबसे पहले जरूरत थी पैसों की।
तो उन्होंने एक ऐसा प्रोफेशन चूज किया जो वो जानते थे क्रिश्चियंस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका रिलीजन इसे इमोरल मानता था। मनी लेंडिंग, यानी कि पैसा लोन पर देना और इंटरेस्ट से इनकम कमाना। कुछ टाइम में ज्यूज का ये बिजनेस अच्छा चलने लगा और दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी उनसे लोन्स लेने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मनी लेंडिंग को अपनी एक आइडेंटिटी बना लिया और उन्हें पूरा यूरोप बैंकर्स के नाम से जानने लगा। लेकिन उनकी वेल्थ के साथ साथ एक बार फिर से उनकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी। जैसे यूरोपियन कंट्रीज को ये लगने लगा कि ज्यूज उनको फाइनेंशियली कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्होंने ज्यूज को अपनी कंट्री से निकालना शुरू कर दिया। बट डिस्पाइट दैट, ज्यूज जहां भी जाते थे वहां अपना लेंडिंग बिजनेस फिर से शुरू कर लेते थे। वो जानते थे कि ये वेस्टर्न कंट्रीज उनकी रिस्पेक्ट करें या ना करें, लेकिन इन्हें उनकी जरूरत तो पड़ेगी। एंड इट वॉज ट्रू, बाई दी 18th सेंचुरी ज्यूज इतने पावरफुल बैंकर्स बन गए थे कि वो इंडिविजुअल्स को नहीं, किंग्स और रॉयल्टीज को लोन देने लगे। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि पिछले 300 इयर्स में जितनी भी वॉर्स लड़ी गई हैं, उन सबको ज्यूज ही फंड कर रहे थे, और वो भी दोनों साइड से। ऐसी एक बहुत ही रिनाउंड और कॉन्ट्रोवर्शियल फैमिली है द रॉथचाइल्ड फैमिली, जिन्होंने 19th सेंचुरी में पता नहीं कितनी गवर्नमेंट्स और वॉर्स को फंड किया और अक्रॉस यूरोप अपने बैंक्स को एस्टैब्लिश किया, जो आज भी वर्ल्ड के बहुत बड़े इंटरनेशनल बैंक्स हैं। इनफैक्ट दिस फैमिली आल्सो हेल्ड अ स्टेक इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड, द सेंट्रल बैंक ऑफ ब्रिटेन। और कहा जाता है कि सिर्फ यही नहीं, इनके पास वर्ल्ड के कई सेंट्रल बैंक्स में ओनरशिप है, इंक्लूडिंग द US फेडरल रिजर्व। इनके अलावा भी आज वर्ल्ड के और भी कई बैंक्स ज्यू ओन्ड हैं। गोल्डमैन सैक्स, जिसे एक ज्यूइश मैन मार्कस गोल्डमैन ने शुरू किया, द फेमस बट नाउ डिफंक्ट लीमन ब्रदर्स, ऑल्सो फाउंडेड बाय अ ज्यूइश मैन। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, जो अराउंड $10 trillion के एसेट्स मैनेज करती है, वो भी एक ज्यू ओन्ड कंपनी है। ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आज वर्ल्ड के टॉप बैंक्स में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेक होल्ड करती है, जैसे JP Morgan चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फागो, सिटी ग्रुप और मॉर्गन स्टैनली। इसका मतलब ये है कि पिछली कुछ सेंचुरी से आज तक ज्यूज वर्ल्ड की फाइनेंस इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं और एसेंशियली ऑलमोस्ट हर इकोनॉमी की लिक्विडिटी को भी। लेकिन इस सब का इसराइल से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, बेसिकली ज्यूज की एग्जिस्टेंस में उन्हें इतनी बार डिस्प्लेस कर दिया गया था कि वो पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्ड हो गए थे। कुछ यूरोप में रहते थे, कुछ US में, कुछ मिडिल ईस्ट में और कुछ रशिया में। बट जैसे जैसे ज्यूज वेल्दी होने लगे, उन्होंने अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करनी शुरू कर दी, एंड इवेंचुअली उनकी इंडिपेंडेंट स्टेट बनी इसराइल। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ज्यूज इसराइल की कैपिटल जेरूसलम को अपनी होली प्लेस मानते थे, क्योंकि यहीं से जुडाइज्म की बिगनिंग हुई थी। इसीलिए वो चाहे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रहते हों, अपनी प्रेयर्स वो हमेशा जेरूसलम की डायरेक्शन में ही करते थे। इसलिए नो मैटर अगर कोई ज्यू किसी भी कंट्री में रहता हो, फॉर देम जेरूसलम एंड हेंस इसराइल विल ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट। दिस मींस इफ ज्यूज आर पावरफुल, सो इज इसराइल। अब बैंकिंग और फाइनेंस में ज्यूज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, और कुछ चीजें सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है, मतलब वो सच भी हो सकती हैं और नहीं भी। लेकिन आज वर्ल्ड में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बैंकिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, the true power of the internet. इस इंडस्ट्री में ज्यूज की प्रेजेंस इतनी सिग्निफिकेंट है कि इससे ये प्रूव हो ही जाएगा दैट दिस कम्युनिटी इज नॉट अ जोक। द इंडस्ट्री इज टेक्नोलॉजी। लेट्स स्टार्ट विद द बिग प्लेयर्स, मेटा, दैट इज फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम इज ओन्ड बाय मार्क ज़करबर्ग, अ ज्यूइश मैन। वो हमारी एवरीडे एक्टिविटी ट्रैक करते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशंस मॉनिटर करते हैं, और हमें क्या पसंद है वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हम क्या कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं ये भी वही डिसाइड करते हैं। हमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, कौन सी कंट्री के बारे में क्या परसेप्शन रखना चाहिए, कौन से ह्यूमन राइट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सब यही सोशल मीडिया बताता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक जायंट, गूगल, फाउंडेड बाय सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज, ऑल्सो टू ज्यूज। दे ओन द बिगेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। कौन से आर्टिकल्स को प्रायोरिटी देनी है, वो जो इसराइल के सपोर्ट में है या वो जो नहीं है, ये गूगल डिसाइड करता है। दे हैव गूगल एड्स। उस कंपनी के एड्स रन करने हैं या नहीं जो पैलेस्टीन को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं,
उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन्स डिस्प्ले करने हैं या नहीं जो इसराइल के अगेंस्ट है, ये भी गूगल डिसाइड करता है। दे हैव गूगल प्ले स्टोर। आज आप कोई भी ऐप डेवलप करो, ऑल ऑफ इट विल कम ऑन प्ले स्टोर। तो आप वहां आ सकते हो या नहीं, या आपको क्या रेटिंग देनी है, ये भी गूगल ही डिसाइड करता है। एंड माइंड यू, जिस सॉफ्टवेयर पे ये प्ले स्टोर रन करता है, एंड्रॉइड, वर्ल्ड का मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेजॉरिटी मोबाइल कंपनीज एक्सेप्ट करती हैं, वो भी गूगल के पास ही है। सो नाउ यू टेल मी, विच कंपनी और पॉलिटिकल पार्टी वुड लाइक टू मेस विद अ जायंट लाइक गूगल। हियर इज अ फन फैक्ट, गाजा और वेस्ट बैंक, जो अपेरेंटली साथ मिलकर पैलेस्टीन बनाते हैं, गूगल मैप्स पर लोकेटेड है, लेकिन एज इंडिविजुअल प्लेसेस। देयर इज नो कंट्री कॉल्ड पैलेस्टीन ऑन द मैप। मतलब गूगल पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। इज दिस गूगल्स वे ऑफ सेइंग दैट देयर टीम इजराइल? मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट टेक जायंट ओपन एआई, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया और बहुत सारे एआई डिवाइसेस पर काम कर रहे हैं, इज ओन्ड बाय सैम ऑल्टमैन। अजीब, डेल, अ मैसिव कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी फाउंडेड बाय माइकल डेल, ऑल्सो अजीब। इंटेल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज में से एक है, जिनके माइक्रोप्रोसेसर से लगभग 60-80% कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स चलते हैं, इररिस्पेक्टिव के वो लैपटॉप एचपी हो, डेल हो, एसर हो या कोई और। और इसके फाउंडर अगेन अजीब, ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स और पावरफुल डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके सॉफ्टवेयर से कोई भी कंपनी अपना डेटा ऑर्गेनाइज, मैनेज और प्रॉपरली स्टोर कर सकती है। इसका फाउंडर, गेस व्हाट, आल्सो अजीब, माइक्रोसॉफ्ट, जिनका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड के 70-80% कंप्यूटर्स में रन होता है। उसके फॉर्मर सीईओ एंड आल्सो अ स्टेक होल्डर स्टीव बॉलमर भी एक जीओ है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट ब्लैक रॉक, विच आल्सो ओन्स अ स्टेक इन ऑल द बिग टेक कंपनीज, एप्पल, एमेजॉन, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा एंड मेनी मोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडिया कंपनीज, स्टार्टिंग ऑफ विद द बिगेस्ट फाइनेंशियल न्यूज एंड डेटा कंपनी, ब्लूमबर्ग, फाउंडेड बाय माइकल ब्लूमबर्ग। अजीब, वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए ब्लूमबर्ग को यूज करते हैं। इस कंपनी के पास इतनी पावर है कि इसकी एक नेगेटिव रिपोर्ट किसी भी कंपनी के शेयर को कलैप्स करा सकती है। इनफैक्ट नॉट जस्ट अ कंपनी, अगर ब्लूमबर्ग एक कंट्री की स्लो ग्रोथ भी प्रिडिक्ट कर दे, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इमीडिएटली वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। इवन द इकोनॉमिस्ट, द मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमिक मैगजीन, इज ओन्ड बाय ज्यूज, द रॉथचाइल्ड्स। न्यूयॉर्क टाइम्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेली न्यूज़पेपर्स इन द वर्ल्ड, इज ऑल्सो पार्शियली ओन्ड बाय अ ज्यूइश फैमिली। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका की बड़ी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज जैसे वार्नर ब्रदर्स, मार्वल, एनबीसी यूनिवर्सल, पैरामाउंट पिक्चर्स, ये भी ज्यूज ने ही इस्टेब्लिश की थी। सो इफ दे वॉन्ट, दे कैन इजिली डिस्ट्रॉय एन एंटायर इकोनॉमी जो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही है। फाइनली अब उस रिलेशनशिप की बात करते हैं जिससे हमने ये वीडियो शुरू की थी, यूएस इजराइल। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है उससे एक बात तो क्लियर हो गई होगी, नो कंट्री और कम्युनिटी इज स्ट्रॉन्गर देन द ज्यूज, और यूएस ये अच्छे से जानता है। इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट में भी कई ऑफिशियल्स ज्यू ही हैं। बेन बर्नैनकी, जो 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर यूएस फेड के चेयरमैन थे, वो एक ज्यू है। एलन ग्रीनस्पैन, जो .com बबल और 9/11 अटैक्स के टाइम पर यूएस फेड को चेयर कर रहे थे, वो भी एक ज्यू है। And the list goes on. आज US में कुछ 7.5 million Jews रहते हैं, which is just about 2.5% of its population. लेकिन फिर भी Forbes की recent 400 wealthiest Americans की list में a whopping 100 billionaires were Jews. And mind you, US elections में जो political leaders participate करते हैं, उन्हें funding भी तो चाहिए। तो उन्हें fund करता कौन है? यही billionaires. So now you know कि किस तरह ज्यूज वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अ कम्युनिटी दैट वाज वंस थ्रोन आउट ऑफ एवरीवेयर इज नाउ एट द टॉप, रूलिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दैट इज 8 बिलियन पीपल। दिस मेक्स ज्यूज द मोस्ट पावरफुल कम्युनिटी एंड इजराइल द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।